सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत और हसीन सी वादियों से। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। और जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने पहने हैं आज साड़ी, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं तुंगनाथ घाट की तरफ, मतलब चोपता की साइड जा रहे हैं, क्योंकि कल जो है तुंगनाथ बाबा जी के कपाट बंद हो चुके हैं। और तुंगनाथ बाबा जी की जो डोली है वो शीतकालीन गद्य स्थल अपने मक्कू मठ के लिए कल तुंगनाथ से प्रस्थान हो चुके हैं। और कल का जो मतलब उनका क्या बोलते हैं पड़ाव था वो चोपता तक था, और वहाँ से आज चोपता से आज जाएगी डोली मोटू से आगे, बणतोली बोलते हैं वहाँ, आज प्रस्थान करेगी वहाँ के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं चोपता की साइड बाबा जी के दर्शन करने के लिए, डोली की दर्शन करने के लिए। तो घर के जितने भी बहू हैं सभी हम लोग जा रहे हैं चोपता की साइड तुंगनाथ बाबा जी के दर्शन के लिए। तो चलिए आज आप लोगों को भी तुंगनाथ बाबा जी की डोली के दर्शन करा लेती हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों को आज का वेदर दिखा देती हूँ हमेशा की तरह, है ना। तो घर में अभी मेहमानों की चहल पहल बनी हुई है और मौसम आप लोग देख रहे होंगे, चटक धूप खिल रखी है, लेकिन ठंड आजकल काफ़ी बढ़ गई है, तो जिस वजह से मैंने स्वेटर पहन रखी है। तो चलिए अब चलते हैं सीधे चोपता की तरफ। अभी हम लोग ताला में आ चुके हैं और ये अपनी मुखड़ी दिखा, अपनी सुहानी मुखड़ी दिखा दो। तो आज सब येलो येलो हो गए हैं और साथ में अभी और भी आने वाले हैं, नहीं तो येलो येलो नहीं बोल। अभी सुबह के 9 बज गए हैं और हम लोग चोपता नहीं गए क्योंकि घर से हम लोग काफ़ी लेट आए। तो अभी हम लोग जहाँ पे आए हैं यहाँ का नाम है मक्कू मठ, मतलब मक्कू मठ बैंड, मक्कू बैंड हम लोग आए हैं। तो भगवान तुंगनाथ बाबा जी की डोली यहाँ पे आ चुकी है और सभी लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं जो लोग लेट से आए होंगे। तो अभी आप लोगों को भी करा देते हैं भगवान तुंगनाथ बाबा जी के दर्शन। Yeah, yeah.
पंडित जी ये रहे हैं। अभी सुबह के 9:30 हो गए हैं और सुबह हम लोग जब घर से निकले थे तो हम तारा से गाड़ी में हम लोग आए थे और अभी जो है मक्कू बैंड में अर्घ्य बोलते हैं, मतलब पूजा थोड़ा बहुत होने के बाद भगवान तुंगनाथ जी की डोली जो है मक्कू बैंड से जंगल के रास्ते होते हुए हुडू गाँव के लिए जाती है। तो हम लोग भी, मैं और मेरी देवरानी जेठानी सभी लोग, हम लोग भी जंगल के रास्ते पैदल जा रहे हैं हुडू गांव तक भगवान की डोली के साथ। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी भगवान तुंगनाथ जी की जो डोली का जो पैदल यात्रा होती है तो वो आप लोगों को भी एक झलक मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और आप लोग बने रहिए व्लॉग में। और आशा है कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग काफ़ी पसंद आएगा।
We'll be right back.
हमारी जठोजी, तो पहले हम लोग जठोजी के घर जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को गांव का जो आज का जो भी कार्यक्रम रहेगा हम लोगों का जो भी, तो ये हमारी जठोजी ये जठोजी हैं। आइए मैं तुम्हारे लौड़ अच्छा पढ़ना, तो ये है जठोजी का पढ़ना ठीक है। तो यह है हमारी जठोजी का घर, और अभी हम लोग जल्दी जल्दी में हैं, तो अभी पहले भगवान की डोली के साथ जाते हैं मंदिर की तरफ, और यहाँ पे जो है बाद में आएंगे हम लोग, ठीक है। किसी को चाय पीने का मन है? मेरा था पर चाय पीने का मन होगा, हमारे यहाँ और भी रिलेटिव है ना बहुत सारे। तो जठोजी का घर भी है यहाँ, हमारी जो जेठी माँ बोलते हैं, मतलब माँ की सिस्टर, मतलब मेरी माँ की बड़ी दीदी, बड़ी बहन, तो उसको हमारे यहाँ पे, उनको हमारे यहाँ पे जेठी माँ बोलते हैं। तो हमारी जेठी माँ का घर भी मंदिर के ठीक बगल पे है, तो तुमको वहाँ चाय पिलाएंगे, ठीक है। ठीक है रे, जेठी माँ के घर जाएंगे चाय पीने। तो ये आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत सी लोकेशन, और गांव के बीचों बीच बना हुआ है भोलेनाथ का मंदिर, जहाँ मैंने सावन के महीने में हम लोग एक बार जल चढ़ाने आए थे, तो वहाँ का ब्लॉग मैंने बनाया था। तो चलो, और अभी जो है मुझे जठोजी के घर जाने की वजह से थोड़ा लेट हो गई है, और क्योंकि भगवान जी की डोली जो है महारानी मंदिर में जा चुकी है, तो मुझे काफ़ी लेट हो गया शायद। तो चलते चलते मैं आप लोगों को होडू गांव की जो गलियां हैं, जो नज़ारा है, वो भी आप लोगों को दिखाई देती हूँ, ठीक है। साड़ी में चलने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन मुझे जो है साड़ी पहनना काफ़ी पसंद है, वो जल्दी जल्दी चला जाएगा ना। और होडू गांव में बहुत सारे पुल हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो सामने का व्यू आप लोग देखिए, क्योंकि मुझे कैमरा, मतलब चलते चलते और खुद के चेहरे पे कैमरा लगाने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है। तो सामने है महारानी मंदिर, तो आप लोगों को सीधे मिलते हैं महारानी मंदिर में, और बाबा जी की जो डोली है वो अपने रास्ते आ रही है, मतलब बाबा जी ऐसे गांव के रास्ते से नहीं आते हैं, क्योंकि जैसा होता है छुआछूत मानते हैं भगवान जी पढ़ना। तो गांव के लोग जो है यहां पे पूजा अर्चना के लिए ले जा रहे हैं, गांव की मतलब जो जो सामग्री होती है गांव में पूजा के लिए, तो वो ले जा रहे हैं। गांव की बहू बेटियां सभी लोग लगी हुए हैं थाली ले जाने में। तो अभी हम लोग महारानी मंदिर आ गए हैं, और मंदिर के प्रांगण में बाबा जी भी पहुँचने ही वाले हैं, फिलहाल वो खेतों से आ रहे हैं बाबा जी की डोली।
अभी हम लोग गांव के बीचों बीच आ गए हैं और गांव के बिल्कुल सेंटर में है भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर। तो यहां पे जो है सारे गांव के मतलब सारे गांव के लोग जितने भी हैं गांव मुडू गांव के जितने भी परिवार हैं सभी लोगों के घर से एक एक थाली आती है अर्घ लगाने के लिए और अर्घ बोलते हैं पूजा के लिए। तो सभी गांव की महिलाएं अपने अपने घर से थालियां ले आए हैं पूजा की। तो यहां पे लगेगा भगवान तुंगनाथ बाबा जी को अर्घ्य। तो चलिए दिखाते हैं आपको भगवान भोलेनाथ जी को लगने वाले अर्घ्य का एक छोटी सी झलक। गांव की सभी महिलाएं ले आई हैं पूजा के लिए अर्घ्य की थाली और यहां पे आप लगेगा अर्घ्य। Yeah.
Thank you.
दोपहर के 12:30 हो गए हैं और हम लोग मुडू गांव से वापस आ गए हैं और अभी जहां हम हैं वहां का नाम है बणतोली। तो यहां पे जो है छोटा सा मंदिर है भोले बाबा जी का, तो यहां पे भी थोड़ा पूरा पूजा अर्चना हो रही है और उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए बाबा जी की डोली यहां से आगे के लिए रवाना होगी और हम लोग यहां से घर चले जाएंगे क्योंकि हम आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग सीधे लंच करने के लिए जाएंगे जेठो जी के घर में हुडू। तो अभी आप लोग यहाँ का जो नज़ारा है वो आप लोग देख लीजिए। देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं जो कि भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए आ रखे हैं। और यहाँ पे जो ग्राउंड है वो बहुत ही बड़ा है और भक्तजनों की आप लोग भीड़ देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मुझे मिले हैं मेरे क्लासमेट तो मुझे यहाँ पे मिले हैं क्लासमेट मेरे और चलो यहाँ पे आने का अच्छा रीज़न हो गया, ये इनसे मिलना भी हो गया। तुम तो बड़े लगे मिता मिली था ये कि
अभी दोपहर के 1 बज गए हैं और हम लोग यहाँ से घर के लिए वापस जाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है भोग बना रखा है, भगवान तुंगनाथ जी के लिए भोग बना रखा था, तो प्रसाद के रूप में हम लोगों को भी दिया गया है। और यहाँ साथ में है मेरे साथ ननद जी और हम लोग साथ में खा रहे हैं यहाँ पे प्रसाद। और आप लोग देख सकते हैं पीछे लोगों को भी बांटे जा रही है यहाँ पे प्रसाद। तो पहले ये फटाफट हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लंच करने के लिए जाएंगे जठो जी के घर में बुडू गांव में। तो आप लोग बने रहिए तब तक ब्लॉग में। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने हमें दिया है यहाँ पे प्रसाद। अभी शाम के 3:30 हो चुके हैं और हम लोग लंच करने के लिए आए होडू गांव में जठो जी के यहाँ। और वहाँ से लंच हम लोगों ने वहाँ पे हम लोगों ने लंच कर दिया था। और लंच करने के बाद हम लोग सीधे घर के लिए रवाना हो गए वहाँ से। और अभी हम लोग अपने गांव की तरफ पहुँच ही गए हैं, मतलब गांव में पहुँच ही गए हैं। तो अभी शाम के 3 बज रहे हैं और मौसम आप लोग देख सकते हैं एकदम क्लीन है अभी भी। और आज का जो दिन रहा वो काफ़ी बेहतर रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और आशा है कि आप लोगों को मेरा आज की जो मेरी जो दिनचर्या है, मेरा जो ब्लॉग है, वो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए अब घर चलते हैं और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मनीषा बजवाल मिलती हूँ आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।